शो करते हैं टीच करते हैं एंड वो किस तरीके से एक फन और इंटरक्टिव तरीके से लेट्स सी व्हाट आर बेनिफिट हमारी जो बॉडी है उसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं क्या क्या मिलते हैं द फर्स्ट वन इज कीप्स इलनेस अवे बीमारी को दूर रखता है मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है डेवलप आर सेंस ऑफ वेल बींग हमारे अंदर वेल well बींग का जो सेंस है उसे डेवलप करता है प्लेइंग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और भी ज्यादा अच्छा करता है सो दीज आर देल्थ बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स नाउ लेट्स लर्न वॉट ऑल थिंग्स वी लर्न इन दिस लर्निंग टॉपिक सो यर द फर्स्ट वन इज इंक्रीज क्यूरियोसिटी सो so, जब भी, भी हम कोई एक नया गेम खेलते हैं हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है उस गेम को जानने की या उस गेम को कैसे खेलना है या कौन जीता है या हारा है यह सारी चीजें क्या है क्यूरियोसिटी है कि आज मैंने वो गेम स्टार्ट तो किया था पर उसमें जीता कौन सो इट इंक्रीजेज योर क्यूरियोसिटी स्टिमुलेट क्रिएटिविटी आपके अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करता है इंप्रूव रिस्क टेकिंग एबिलिटीज रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को भी इंप्रूव करता है आप रिस्क ले लेते हो कि चलो एक बार करके देखते हैं क्या पता हम जीती जाए सो इट इम्प्रूव रिस्क टेकिंग एबिलिटी बिल्ड एबिलिटीज और गेम्स खेलने से क्या है हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी डेवलप करते हैं अपने अंदर कैसे गेम किसी भी तरीके का गेम हो उसमें हम अपना माइंड जरूर यूज करते हैं और माइंड यूज करते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं नेक्स्ट इज joy and happiness तो हमें गेम खेलते वक्त हमें joy और happiness दोनों मिलता है bring laughter joy and fun सो so, गेम खेलने से हमारे अंदर खुशी आती है हम एंजॉय करते हैं हमें जो है अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है सेकंड वन इज टीचेस टू केयर फॉर इमोशंस एंड सेंटीमेंट्स ऑफ अदर ये क्या है गेम्स जो हमें सिखाते हैं Care for emotion, दूसरों के इमोशंस की करने के बारे में या फिर दूसरों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखने के लिए ये सारी चीजें कौन सिखाता है गेम सिखाते कि हमें दूसरों का का ध्यान ध्यान रखना रखना चाहिए, उनके उनके रखना चाहिए। उनके उनके और थर्ड पॉइंट हेल्प टू बीट लोनलीनेस लोनलीनेस मीन्स अकेलापन तो हमारे अंदर जो भी अकेलापन है हम अकेले रहते हैं तो बोर हो जाते हैं तो उन सब चीजों को बीट करने में हेल्प करता करता है। is, है। तो गेम्स हमारे अंदर सोशल स्किल्स को भी और क्या चीज अच्छा है तो हमें सेफ्टी और डेंजर दोनों चीजें सिखाता है टीचर्स अबाउट फ्रीडम एंड डिसिप्लिन ये हमें फ्रीडम और डिसिप्लिन दोनों ही चीजें सिखाता है कि कैसे इसे मैनेज करना है और कैसे इसका यूज करना है नेक्स्ट कम्स द पर्सनल बेनिफिट्स तो आप गेम्स खेलने के इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं इसके अलावा कुछ पर्सनल बेनिफिट्स भी हैं क्या है वो इट टीचेस टीचरबिलिटी एंड पेशेंस एटमोसफियर को अडाप्ट करने में हेल्प करता है हमारे अंदर पेशेंस को डेवलप करता है हम अपने टर्न का वेट करते हैं जब भी हम गेम खेलते हैं टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी

And so we should play games daily.